ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। और अब बात एक स्टार्टअप की, डायबिटीज की टेंशन का ऑनलाइन सॉल्यूशन देने वाले स्टार्टअप ब्रीद वेल बीइंग के सीरीज ने एक सीरीज ए फंडिंग के तहत 55 लाख डॉलर जुटाए हैं। इस फंडिंग में जनरल कैटलिस्ट, स्कॉट स्लीफर ग्लोबल एमडी, टाइगर ग्लोबल जैसे इन्वेस्टर्स ने हिस्सा लिया है। इस फंडिंग पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रीद वेल बीइंग के को फाउंडर और सीईओ रोहन वर्मा। रोहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले तो ये बताइए कि एक बहुत ही शानदार फंडिंग राउंड आपने कंप्लीट किया, तो ये कितना आसान और कितना मुश्किल रहा आप लोगों के लिए? नमस्कार, बहुत बहुत आभारी हूँ आपने शो में मुझे बुलाया है। तो फंडिंग मेरा मानना है कि ना आसान होता है ना मुश्किल होता है। फंडिंग सिर्फ एक जैसे पेट्रोल स्टेशन में जाके गाड़ी में पेट्रोल भराया जाता है उसकी तरह से होता है। आई थिंक जो ज्यादा मुश्किल होता है वो जर्नी होती है, कहाँ जाना है वहां आते हैं सारे के सारे अड़चने। तो फंडिंग एक उसकी तरह है, स्टॉप की तरह है, जहां पे आपने तेल भराया है और आप अपने मिशन और डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। और कितना आसान या मुश्किल है ये डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हैं। तो जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कार्यकर्ता हैं हेल्थ केयर के अंदर, सो डिजिटल हेल्थ के अंदर। सो लास्ट 2 साल के अंदर इसकी काफी प्रगति भी हुई है। सो ये अपने आप में एक ऐसा स्पेस है जो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है बहुत से मरीजों की। तो जब पैसे आ गए तो एक सीधा स्वाभाविक सा सवाल बनता है कि इसका इस्तेमाल, इन पैसों का इस्तेमाल आप कहाँ करने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सो हम जो भी कर रहे थे हम उसको और डेप्थ में जाके करना चाहेंगे, और हम करते क्या थे मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को भी। सो हमारा ब्रीद वेलबींग का जो डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम है, ये विश्व का पहला ऐसा प्रोग्राम है जो डायबिटीज रिवर्स कर रहा है 3 माध्यमों से। ये एक आपके डाइट पे फोकस करता है, आहार पे, या आपकी एक्सरसाइज पे फोकस करता है यानी कि व्यायाम, और मेडिटेशन भी कराता है आपको यानी कि ध्यान। तो आपका आहार, व्यायाम और ध्यान पे फोकस करने वाला है पहला डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम है, जिसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये घर बैठे बैठे आप इसको कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम है। और आपने पूछा कि ये जो हम फंडिंग हमने उठाया इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे, तो ये जो तीन मैंने आपको बताया माध्यमों से, हम 3 चीजों पर निर्धारित है किस माध्यम से हम इन चीजों को डिलीवर करते हैं। हम 3 माध्यमों से इन चीजों को डिलीवर करते हैं, द 3 C's ऑफ आर प्रोग्राम। एक है हमारा कोचिंग बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा एक आम है पूरे प्रोग्राम का। तो एक दूसरा है कम्युनिटी, जैसे कहते हैं समुदाय, एक हमारी कक्षा रूपी समुदाय हमने बनाए हुए हैं ऑनलाइन मोबाइल ऐप के अंदर। और तीसरा है हमारा पाठ्यक्रम, करिकुलम जिसे कहते हैं, 3rd C। तो ये जो सारी फंडिंग हमने उठाई है ये इन्हीं तीन 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 जो ये 3 चीजों पे निर्धारित है, इसी पे हमने और इन्वेस्ट करने के लिए किया है। हमारी कोचिंग एकेडमी पे, हमारे हमारी कम्युनिटी पे, जो समुदाय हम बना रहे हैं छोटे छोटे कक्षा रूपी समुदाय, और तीसरा हमारा जो ये पाठ्यक्रम हम बना रहे हैं वीडियोस की फॉर्म में, ऑडियोज की फॉर्म में जी। और टेक्नोलॉजी, चौथा है टेक्नोलॉजी ऑफकोर्स जी। तो रोहन, ये भारत में डायबिटीज जो है तो उसके बारे में क्या ही कहा जा सकता है, बहुत ही बड़ा एक वास्ट इमेंस मार्केट तो आपके पास है ही, लेकिन आपकी आपका एक्सपेंशन प्लान क्या है, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, इसके लिए क्या रोड मैप है आपके पास? बहुत ही बढ़िया आपका सवाल है ये। तो डायबिटीज जो है उसने पूरे के पूरे भारत देश को जकड़ लिया है इस समय। कुछ 70 मिलियन भारतीय लोग इससे संघर्ष कर रहे हैं इस समय, और आने वाले 5 साल में ये 115 करोड़ हो जाएगा ये नंबर, ठीक है। जो चीज आज 7 करोड़ है ये 14 से 15 करोड़ हो जाएगी नेक्स्ट 4 साल के अंदर। तो कैसे हम इन तक पहुंचेंगे, तो आप ये बस थोड़ा सा इस चीज पे आप एक इमेजिन करिए कि जो हम जो बना रहे हैं ऑनलाइन प्रोग्राम है, एक ऑनलाइन हॉस्पिटल की तरह है, जो जो एकदम ही पाठशाला के रूप में बन रहा है। तो दिस इज अ डिजिटल केयर क्रॉनिक केयर इंस्टीट्यूशन, एक पाठशाला के रूप में एक अस्पताल को बना रहे हैं। और अभी कुछ आधे 50% जो लोग हमारे पास आ रहे हैं पेशेंट्स, वो वर्ड ऑफ माउथ से आ रहे हैं, बिकॉज डायबिटीज कभी रिवर्स कराया ही नहीं गया है। ये एक नई साइंस है जो लास्ट 4 साल के अंदर उत्पन्न हुई है, और हमने इसके अंदर क्लिनिकल स्टडी करके अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन में क्लिनिकल स्टडी भी अपनी पब्लिश कर दी है। तो आधे जो लोग आ रहे हैं वो वर्ड ऑफ माउथ से आ रहे हैं कि देखिए जब शर्मा जी का डायबिटीज रिवर्स हो जाता है लखनऊ के अंदर, तो बताते हैं गुप्ता जी को कि देखो मेरा जो डायबिटीज, जिससे मैं 10 साल से जो दवाई खा रहा था, मेटफॉर्मिन, सल्फोनिल यूरिया, तरह तरह की खतरनाक दवाइयां खा रहा था, उससे मुझे मुक्ति मिल गई। तो आपस में एक दूसरे को बताते हैं, आधे लोग वहां से आते हैं,
और आधे लोग जो होते हैं वो सर्च करते हैं, जो पीड़ित होते हैं, जो पीड़ित मरीज है उनको किस तरह की परेशानियां, हाथों में उनके नमनेस है, ठीक है, आंखों में उनके तकलीफ है, तो ये ऑनलाइन सर्च करने लगे हैं गूगल पे। चलिए रोहन, तो वक्त की चुकी कमी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और कभी और बैठकर हम आपसे डिटेल प्लान आपका समझेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं आप देश के लिए भी, क्योंकि बड़ी समस्या है डायबिटीज की। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।